हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में अब तक हुए प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय समाज में समय समय पर होने वाली उथल पुथल मैं किसानों की कोई सार्थक भूमिका नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने शीर्ष स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उनमें आदिवासियों, जनजातियों और किसानों का अहम योगदान रहा है। स्वतंत्रता से पहले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दो आंदोलन किए थे। वे गांधी जी के प्रभाव के कारण हिंसा और बर्बादी से भरे नहीं होते थे, लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद जो किसानों के नाम पर आंदोलन या उनके आंदोलन हुए, वे हिंसक और राजनीति से ज्यादा प्रेरित थे। देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना विद्रोह, ते भागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह और बरदौली में जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने किया था। आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत सन 1959 में हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए, इसलिए आजादी के पहले भी इन नीतियों ने किसान आंदोलनों की नींव डाली। सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके सोसर से उपजे थे। वास्तव में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय के समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाली सरकारी अधिकारियों की जातियों का सबसे बड़ा संघर्ष, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दक्कन का विद्रोह। गौरतलब बात यह है कि यह एक दो स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के विभिन्न भागों में फला फूला। यह आग दक्षिण में भी लगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। दिसंबर सन 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिग्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इन साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत सन 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन की। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश के परिणाम स्वरूप फरवरी सन 1818 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का संगठन किया गया। सन 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। मोपला विद्रोह। केरल के मालबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा सन 1920 में विद्रोह किया गया। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में अली मुसलियार चर्चित थे। सन 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और शीघ्र इस आंदोलन को कुचल दिया गया। रामोसी किसानों का विद्रोह। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में उपनिवेशक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, जो सन 1879 से लेकर सन 1920 से 1922 तक छुटपुट ढंग से चलता रहा। ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1914 में बिहार में हुई। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरोध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जो कि इस आंदोलन से संबंधित थे। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 वर्ष बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। यह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था।
इस मायने में यह बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के रूप में बिरसा मुंडा ने जनजातीय तथा पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे। तेभागा आंदोलन। किसान आंदोलन में सन 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर एक तिहाई करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का दो तिहाई हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसान को दिलाने के लिए किया गया था। यह बंगाल के 28 से 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतीहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। तेलंगाना आंदोलन। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों एवं साहूकार के शोषण की नीति के खिलाफ सन 1946 में शुरू किया गया था। सन 1858 के बाद हुए किसान आंदोलन का चरित्र पूर्व के आंदोलन से अलग था। अब किसान बगैर किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे। इनकी अधिकांश मांगें आर्थिक होती थीं। किसान आंदोलन ने राजनीतिक शक्ति के अभाव में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध नहीं किया। किसान की लड़ाई के पीछे उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं था, लेकिन इन आंदोलनों की असफलता के पीछे किसी ठोस विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम का अभाव था। बिजेलिया किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन भारत भर में प्रसिद्ध रहा, जो मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था। बिजेलिया किसान आंदोलन सन 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरकुंस नौकरशाही एवं स्वेच्छाचारी सामंतों का संगठन होकर मुकाबला किया, वह इतिहास बन गया। अखिल भारतीय किसान सभा। सन 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का संगठन किया। सन 1928 में आंध्र प्रांतीय रियायत सभा का स्थापना एनजी रंगा ने की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर सन 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसानी सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का आंदोलन बहुत पुराना था। चंपारण के किसान से अंग्रेज बागान मालिक ने एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी अनिवार्य था। इसे तीन कठिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील बाजार समाप्त हो गया। नील बागान के मालिकों ने अपने कारखाने बंद कर दिए और किसानों की नील की खेती से छुटकारा पाने की इच्छा भी पूरी हो गई। खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण के बाद गांधी जी ने सन 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कुनवी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक थे। बरदौली सत्याग्रह। सूरत गुजरात के बरदौली तालुका में सन 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुनवी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं, बल्कि सभी जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।